खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां नवरात्रि को देखते हुए भक्तगण काफी उत्साह में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, 2 साल बाद कोरोना काल के भक्तगण को नवरात्रि मनाने का मौका मिल रहा है। वहीं रीवा शहर में दूर दूर से रीवा जिला की भक्तगण और युवा पहुंच रहे हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा को अपने पंडाल में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं रीवा शहर में जगह जगह समितियों ने विद्युत साज सज्जा व लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है। लोग नाचते गाते माँ दुर्गा की प्रतिमा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रीवा के रानी तालाब में भी 9 दिन चलने वाले नवरात्र उत्सव को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें, रीवा के रानी तालाब में 9 दिन चलने वाले नवरात्र उत्सव पर मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि नवरात्र उत्सव को लेकर भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। एंड रखवाई ये किनारे में और अंदर भैया, इस मूर्ति के लिए इतनी भीड़ पड़ी हुई है कि पूरे रीवा शहर में चर्चा है। यहाँ से लेकर मनिगवा तक में ये मूर्ति मनिगवा जा रही है, ईगल कमेटी में जा रही है। ये आप लोग मूर्ति कब से बना रहे हैं? 4 महीने हो गए भैया, मैं मूर्ति बनाते हुए। इतनी बड़ी आप मूर्ति का निर्माण किए आप? हाँ। अभी मूर्ति कहाँ जा रही है? मनिगवा, ईगल कमेटी। ये लोग, आप लोग कब से मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं? हमारा तो ये चौथी पीढ़ी है कार्य करने की। हम लोग पुस्तैनी जबलपुर से हैं और रीवा में 40 साल हो गया काम करते हुए। पापा जी स्टार्ट किए थे और हमारी दुकान का नाम है लल्ला मूर्तिकार। पापा जी का नाम है, मेरा नाम है पवन। क्या नाम है आपका? पवन।